क्या है ये तो सच्चाता जो है ना, ये मोदी जी ने शुरू किया था गांधी जी के ओर देख के, इसीलिए उसका सिंबल जो दिया गया गांधी जी का चश्मा। तो मोदी जी ने सोचा था ये गांधी जी के नजरिए से देखना चाहिए इंडिया कैसे होगा, कैसा होगा। गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लौट के आया तब वो पहले जो काम किया वो देखा, साउथ अफ्रीका से लौट के आने से बाद इंडिया को देखा, बहुत ही गंदा हालत है इंडिया का। तो वो पहले ही जो काम किया वो बोला पहले चाहिए स्वच्छता, उसके बाद चाहिए स्वाधीनता। तो उसके पहले स्टेप ही था स्वच्छता के लिए। तो ये चीज जो है ये इंडिपेंडेंस के पहले से ही हम लोगों के अंदर चल रहा है, हम लोग ठीक नहीं है। उसके बाद आया इंडिपेंडेंस आया, उसके बाद भी हम लोग इसको लेके बहुत सारे काम किए, बहुत सारे जगह में इसको लेके काम किया जाता है। ये मोदी जी ने शुरू किया ऐसा नहीं है, ये बहुत दिन से चल रहा है, चल रहा है, बहुत क्लब कर रहा है, बहुत स्कूल कर रहा है। निर्मल भारत पहले था, उसके बाद ही वो निर्मल भारत को चेंज करके स्वच्छता आया। तो ये जो है ना ये खुद के अंदर जागने का बात है, 70 इयर्स से चल रहा है, उससे पहले से चल रहा है, लेकिन हम लोग अभी भी ठीक नहीं बन पाए। ये किसका मिस्टेक है, हम लोगों का ही मिस्टेक है। हम लोग अगर घर क्लीन रहता है लेकिन बाहर आने के बाद हम लोग भूल जाते हैं बाहर को क्लीन रखना है। कैसे रखेंगे, घर में तो हम लोग चॉकलेट के रैपर नहीं फेंकते लेकिन बाहर आके फेंक देते हैं, और दूसरे जब फेंकता है उसको भी रोकते नहीं। तो यही काम करना है, ज्यादा कठिन कुछ नहीं है, मतलब बहुत मूवमेंट करना है, ये करना है, वो कुछ नहीं है। थोड़ा डिसिप्लिन बनना है, थोड़ा कॉन्शियस रहना है, जो हम लोगों के अंदर जो एस्थेटिक सेंस है वो सबके अंदर आना चाहिए, और हम लोगों को भी खड़ा लगना चाहिए बाहर का हालत देख के। घर साफ है लेकिन बाहर साफ नहीं है, ये तो हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो ये करना है, ये बहुत कठिन काम कुछ नहीं है, और गवर्नमेंट तो कर रहा है, बहुत रुपया दे रहा है टॉयलेट बनाने के लिए। जो लोगों को पता नहीं है टॉयलेट में जाना है, उन लोगों के लिए बहुत सारा ऐड दिया जा रहा है, बहुत तरह का ऐड दिया जा रहा है, बहुत मूवी बनाया जा रहा है इसके ऊपर, शौचालय के यूज के ऊपर। तो हो रहा है लेकिन हम लोग ये नहीं कर रहे, बस में जाते हैं थूक देते हैं, नहीं माना नहीं करते, साइड वाला एक आदमी थूक दिया उसको माना नहीं करते, ये काम करना है हमें, तो हम लोग कुछ देश के लिए कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हम लोग डिसिप्लिन है, सब लोग डिसिप्लिन है, लेकिन जो लोग नहीं है उसको भी डिसिप्लिन सिखाना है हमें, क्योंकि ये अगर हम लोग कर दे तो ऑटोमेटिकली देश क्लीन हो जाएगा। गंदा अगर नहीं करेंगे तो ही क्लीननेस आ जाएगा। ये काम हमारा है, अभी 14 से शुरू हुआ है, 5 साल तक बहुत काम किया गया है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग क्लीन नहीं हो पाए। इसके लिए 62 करोड़ के जैसा खर्चा अभी तक हो चुका है, और बहुत सारा स्टेट इसको लेके काम कर चुका है अलग अलग करके, सेंट्रल का तो प्रोजेक्ट है ही। तो क्या है, हर एक आदमी को कॉन्शियस बनना है, अगर हम लोग सब कॉन्शियस बन जाए, दूसरे को कॉन्शियस करने लगे तो ही हो जाएगा क्लीननेस। तो और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, जय हिंद।